खास करके जो सबसे करीब कौन होते हैं आपका फैमिली में, हस्बैंड वाइफ से करीब कोई और नहीं होता है ना, खास करके जो स्त्री घर में काम करते हैं, दिन भर करते रहते हैं और उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है और उनका जो वैल्यू हम पैसे से तुलना नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सब दर्शकों को स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में एक और दिन दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय वचन में बिता सके, सीख सके, समझ सके, उस वचन को अपने जीवन में अमल कर सके और यीशु मसीह का आशीष को हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है 1 कुरिन्थियन 2:12 में, हम इस संसार का आत्मा नहीं पाया है इसलिए हम परमेश्वर के बातों को हम जान सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम स्वर्गीय आत्मा को पाया है और उस आत्मा के द्वारा स्वर्ग से हम कनेक्टेड है और तेरे वचन का भेद को हम समझ सके, जान सके और अपना जीवन में अमल लगातार करते रहे और तेरी आशीषों का हम वारिस बनते रहे प्रभु और उन्नति करते रहे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते रहे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है भली महिला बोल सकते हैं या गुणवती स्त्री बोल सकते हैं, हु इज ए वर्चुअस वुमन, जो Proverbs 31 वुमन कैसे होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये सारे गुण जो Proverbs 31 वुमन का जो बताया है, इतने सारे गुण हमारे अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर एक बच्चा स्टूडेंट 100% टारगेट रखते हैं तो 75-80% जरूर हासिल करेगा या 90-95 तक भी अच्छा करेगा तो हासिल कर सकता है। तो लगातार हम इस Proverbs 31 वुमन को अपना एक आदर्श महिला के रूप में हम अपने सामने रखें और लगातार उस प्रार्थना करते रहें जो हमारे अंदर कमियां है वो भी परमेश्वर भरेंगे और हमें सिद्धता की ओर, परिपूर्णता की ओर लगातार आगे ले चलेंगे। हालेलुया। तो हम चलिए जल्दी से, मैं उस Proverbs 31 का 10-31, 10-31 यहाँ से लेकर ये सारा स्त्री के बारे में वर्णन किया हुआ है, एक एक करके हम देखेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इसके लिए वचन में Proverbs 18:22 उसमें लिखा है, जिसने स्त्री बिया ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। सो इफ यू आर गेटिंग वाइफ दैट मीन्स, अगर हम पत्नी जो शादी करने वाले हैं उनके लिए एक पत्नी पाना मतलब परमेश्वर से अनुग्रह पाना, ये बाइबल बता रही है। और उनका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, इसका मतलब क्या है? कई बार हमारा देश में देखती हूँ जो हाउस वाइफ होते, खास करके जो वर्किंग वेमेन होते हैं, उनका तो सैलरी मिल जाता है, उनका पूरा मेहनत का फल मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो फल उनको दिखता है। लेकिन खास करके जो स्त्री घर में काम करते हैं, दिन भर करते रहते हैं और उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है और उनका जो वैल्यू हम पैसे से तुलना नहीं कर सकते, तभी परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि वो बात को समझते हैं, वो मूंगों से भी बहुत अधिक है। मैं देखती हूँ मदर्स डे एक दिन बहुत अपना मदर का वैल्यू करते हैं और स्त्री लोग का वैल्यू करते हैं, विमेन्स डे में ऐसे से एक दिन खूब उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन क्या प्रतिदिन हम जहाँ पे, और Ephesians 6:1-2 में लिखा है, अपना माता पिता का आदर करो ताकि तुम लंबी आयु को प्राप्त कर सके और अच्छा वेल बीइंग, वेल अच्छा जीवन को पा सके,
ऐसे करके लिखा है। तो हम लोग जो महिलाएं हैं, खास करके जो घर में काम करते हैं, उनको अपने आप को कभी कम नहीं समझना है कि यू आर मोर वैल्यूबल देन द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, रूबीज एंड डायमंड्स, इससे भी ज्यादा आप वैल्यूबल है। कोई पहचाने ना पहचाने, आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है, क्योंकि हम देखते हैं उसके पति के मन में उनके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। बिकॉज यू आर ब्लेसिंग फॉर योर हस्बैंड, खास करके जो सबसे करीब कौन होते हैं आपका फैमिली में, हस्बैंड वाइफ से करीब कोई और नहीं होता है ना, तो इसलिए सबसे पहले पति के बारे में लिखा है कि पति जो है उनको विश्वास करता है। तो जो ये जो Proverbs 31 वुमन है, शी इज ट्रस्ट वर्दी, मतलब उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि वो डिच नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा और हमेशा भलाई का ही काम करती है और लाभ का ही काम करता है। ऐसे करके उनका पति उनके ऊपर विश्वास करते हैं। आजकल के जमाने में जब टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं और सारे नेगेटिविटी हमारे दुनिया में, पूरा विश्व में जब बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट कम होते जा रहे हैं और एक जो डिवोर्सेस का रेट भी ज्यादा हो रहा है, ये निराशाजनक बात है। लेकिन हम वचन से देखते हैं एक भली स्त्री कैसे होती है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब उनके ऊपर पूरा उनका पति भरोसा रख सकते हैं कि वो हमेशा, नॉट ओनली शी इज ट्रस्ट वर्दी बट शी इज वेरी प्रॉफिटेबल टू हिम, लाभदायक काम को करेगी। ऐसे करके पति उनका अनुभव होता है। और फिर नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं वो अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। सारे दिनों में मे बी ही सिक, वो बीमारी का बिस्तर में उनकी सेवा करना पड़े, या हो सकता है जॉबलेस हो कुछ समय के लिए, उनके घर में पैसा नहीं होगा। अच्छा समय में, बुरा समय में, हर समय में वो अच्छा ही व्यवहार करती है। कई बार अच्छा टाइम में तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जब समय थोड़ा विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, उस समय हम कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे Proverbs 31 वुमन से के बारे में लिखा है, वो सारे दिनों में वो बुराई नहीं करती है, भला ही व्यवहार करती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपने भोजन वस्तु दूर से ही मंगाते हैं। मैं तो सोचती हूँ अब तो खैर हम वीविंग वो सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ ये शॉपिंग करके, मतलब अपना जो घर के सामान है, जो कपड़े चाहिए उनके पति के लिए, बच्चों के लिए, सारा बाहर का काम भी वो खुद स्वयं करती है। और शायद वो हस्बैंड बिजी होते हैं, बच्चे बिजी होते हैं, या बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काम बढ़ाती नहीं है, उनका काम को घटाते हुए वो सारे बच्चों का भी वो देखती है, मैं यही सोचती हूँ। और फिर उसके जैसे भोजन वस्तु, मतलब ग्रोसरी, वो जो क्या क्या भोजन के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, दूध के लिए, बहुत सारे घर चलाते समय हम देखते हैं बहुत सारी चीजें डेली हमको चाहिए होता है, तो ये सारे पहले से भी उसको तैयारी करके अच्छी तरह उसका परिवार का देखभाल करती है। और 15 वचन में लिखा है वो राती को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। शी इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। अगर हम गांव के विलेज का सेटअप देखेंगे या हमारी मॉडर्न लाइफ, सिटी लाइफ का वुमन को भी, महिला को भी देखेंगे, तो हम लोग, अगर आप हाई पोस्ट में हैं, सपोज इफ यू आर अ वुमन एंड यू आर इन अ हाई पोस्ट, आपका जो सबॉर्डिनेट है, आप जो नीचे काम करते हैं
उनको बहुत सारे असाइनमेंट देना पड़ता है, बांटना पड़ता है, शेड्यूल बनाता है, रोस्टर बनाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, और फिर वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। बहुत सारे बात होते हैं ना, ऐसे ही ये स्त्री भी लिखा है, वो जो उनके नीचे काम करते हैं नौकर लोग, उनको सब काम देती है और उनको काम सौंपती है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से। सपोज खेती बाड़ी में तो उनका अलग काम होता है, घर में काम कर रहे तो उनका अलग काम होता है, या बाहर से सामान लाना है तो उनको अलग काम देना होता है। इस तरह से बहुत सारे जो उनके नीचे काम करती है तो काम करते हैं उनको भी वो अच्छा सा वो टास्क मास्टर अच्छा सा वो देखभाल करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। और उसके बाद हम देखते हैं 16वां पद पढ़ रही हूँ, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। इसका मतलब क्या है? शी इज ए वेरी बिजनेस वुमन ऑल्सो। कि परिवार में तो बहुत सारे खर्चा होता है, जैसे बच्चा बड़े हो गया तो उनको शादी करना है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे पैसा का भी एक परिवार में जरूरत होती है। इसलिए क्या करना है, उसके लिए पहले से ही ये सारे पैसा जमा करना पड़ता है, ताकि जब ये लोग मैरिज का टाइम आता है या प्रोफेशनल कोर्सेस लेने का टाइम आता है तो हम इधर उधर लोन के लिए भागना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए शी इज ए फार साइटेड वुमन, दूर दृष्टि के स्त्री है। इसलिए वो खेत क्या करती है, सोच विचार करके उसको मोल लेती है और अच्छा सा जब वो खेती में जो फसल आती है उसका प्रॉफिट्स उनको बेचने के बाद जो मुनाफा है वो लाभ है जो, उसको क्या करती है वो यूज नहीं करती है दोबारा, वो री इन्वेस्टमेंट मतलब वो दोबारा किसी और चीज में इन्वेस्ट करती है जिसमें और इनकम बढ़ते जाए, मल्टीपल इनकम आते जाए, मतलब डाक की बारी लगाती है। इस तरह से शी इज ए वेरी गुड इन इन्वेस्टमेंट, अपना घर का पैसा के इन्वेस्टमेंट में भी वो बहुत अच्छा सा सोच विचार करती है, बड़ा खर्चा के लिए पहले से यूसुफ की तरह पहले से ही तैयार। वो अकाल के लिए तो समृद्धि का टाइम में भी उसने अच्छा सा उसको 1/5 और 1/10 निकाल के उसने स्टोर कर दिया। और फिर क्या हो गया जब अकाल पड़ा था, कि सिर्फ मिस्र में नहीं और देशों लोग भी आके उनसे अनाज ले लिया। इस तरह से उसने ये स्त्री जो है अपने जो परिवार की जो बारे में सोचती है। और फिर उसके बाद हम 17th वर्स पढ़ रही हूँ, वो अपने कमर को बल के पेंटे से कसती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, वो फरक लेती है मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता है, रात का उसका दिया नहीं बुझता है। इसका मतलब क्या है, द लैम्प स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है, मतलब ये फिजिकली भी देखे तो उसका घर का सारी जरूरत वो देखभाल करती है और मेहनत भी बहुत करती है। शी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग लेडी नो डाउट। और फिर हम मैं सोचती हूँ प्रार्थना भी लगातार अपने परिवार के लिए, अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए, जो उनके संपर्क में आते हैं उनके लिए लगातार, ये प्रेयरफुल वुमन मैं यही सोचती, क्योंकि दिया मतलब क्या है, मैंने जो जब वो एपिसोड बनाया है कि प्रेयर रिलीजेस अ फायर, जब फायर होता है तो अपना दिया जलते रहता है। जो बुद्धिमान कुमारियों का जो दिया कब जलेगा, जब तेल होता है, जब तेल खत्म होता है तो दिया बुझ जाता है, तो वो दुल्हा के साथ नहीं जा सकते। मैं सोचती हूँ इनका प्रार्थना जीवन भी बहुत मजबूत है और अपना दिया को रात में भी, रात ये भी दिखा सकते बता सकते हैं कि अच्छे समय बुरे समय उनका प्रार्थना का जीवन
हमेशा मजबूत थी, इसलिए उनका दिया कभी उसने बुझने नहीं दिया। उसका दिया जलते रहे, सुबह भी, दोपहर में भी और रात में भी। इसका मतलब उनका प्रार्थना का जीवन भी बहुत पावरफुल है। दैट इज वाई अ लैम्प केप्ट ऑन बर्निंग इवन इन द नाइट। रात का समय, अच्छा समय, बुरा समय, लगातार अपना प्रार्थना का तेल उस दिया में वो भर रखा था, जिस वजह से वो दिया कभी नहीं बुझा है। हालेलुया। फिर वो बहुत हार्ड वर्किंग तो है ही है, वो अटेरन में हाथ लगाती है, चरखा पकड़ती है और दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। शी इज अ वुमन ऑफ चैरिटी, जेनरस वुमन। ये क्योंकि ये इन्वेस्ट करती थी और री इन्वेस्ट करती थी, लगातार अपने परिवार के इनकम को बढ़ाती थी। और किस लिए? सिर्फ अपना परिवार की जरूरतों के काफी नहीं, औरों को भी, दरिद्रों को भी, जरूरतमंद को भी ये तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती। सो शी इज ए वुमन हु इज ऑलवेज हेल्प गिविंग हर हेल्पिंग हैंड टू द पुअर एंड नीडी। हालेलुया। तो इस तरह से, और फिर 21 में लिखा है, वो अपने घर आने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हिम से मतलब कई देशों में, हमारे दिल्ली में भी, और कई ऊपर में जाएंगे, हिमाचल और कश्मीर और कुछ कंट्रीज में विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होती है। और सबसे ज्यादा विंटर में मेन जो चाहिए होता है क्लोथ्स, वस्त्र, सही वस्त्र पहनना बहुत ही जरूरी है। तो ये स्त्री बोल रहे हिम से नहीं डरती है, मतलब विंटर आने से पहले ही उनका विंटर क्लोथ्स सब कुछ वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जितने उनके घर में, उन सब के लिए तैयार करके रखती है, ताकि उस समय फिर ढूंढना नहीं पड़े। उस समय हो सकता है महंगा होता है, हमारे दिल्ली में ऐसा होता है, जब विंटर खत्म होता है, क्लोज वाइंड अप करते समय ये व्यापारी लोग सारे सस्ते में बेच के चले जाते हैं। तो हो सकता है हम उस समय में ऑफ सीजन में खरीदने से हमें सस्ते दाम में मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर विंटर के लिए हमको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से वो हमेशा पहले से ऑर्गेनाइज्ड रहती है। कई बार हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होने के वजह से क्या होता है, लास्ट मिनट में इधर उधर ढूंढते हैं, लास्ट मिनट का तैयारी करते हैं, तो फिर वो क्वालिटी जो नहीं हो पाता है। तो शी इज ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वुमन। हालेलुया, यही बताते हैं। और 22 में लिखा है, वो तकिया बना लेती, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। उनका पति सभा में देश की पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उनका पति भी देश के पुण्यों के संग बैठता है और उनका सम्मान होता है। मैं बोलती हूँ, मैंने स्कूल में कई साल काम किया है, जो पेरेंट्स आपस में लड़ते नहीं है, आपस में घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं, वातावरण को अच्छा बना के रखते हैं, उनका बच्चे और फिर बच्चों को एनकरेज करते रहेंगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हर पीटीएम में माता पिता आके बच्चों को देखभाल करते हैं, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, कहाँ ढीला हो रहे, क्या, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। हेल्दी एनवायरनमेंट को घर में प्रोवाइड करती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होने से, शांति का माहौल होने से, एनकरेजिंग का माहौल होने से क्या होता है, बच्चे भी अच्छा सा परफॉर्म करेंगे अपने जॉब्स में, अपने पढ़ाई में, और फिर पति भी अपना काम में अच्छा सा परफॉर्म करेंगे और फिर और प्रमोशन का भी रिकमेंड करेंगे। ऐसे लोग को प्रमोशन पे प्रमोशन आते हैं और फिर वो अच्छा मैनेजमेंट में जाते हैं, डिसीशन मेकिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है वो पुर्णियों के साथ, एल्डर्स इन द गेट, मतलब उस समय में, बाइबल के समय में वो लिखा है गेट के पास कौन होते हैं, वो जो एल्डर्स होते हैं, जो डिसीशन मेकिंग में शामिल होते हैं। इसका मतलब है
दे आर इन हाइयर पोजिशन टू मेक डिसीशन। हालेलुया। तो इस तरह से माहौल को ये स्त्री अपने घर में बनाती है ताकि उनका पति भी अच्छा पद में हो, अपने बच्चे भी पढ़ाई में है या जॉब्स में कहीं भी अच्छा सा परफॉर्मेंस करे। और फिर हम देखते हैं 24th वचन में पढ़ रही हूँ, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापारी को कमर बंध देती है, वो बल और प्रताप की पहरावा पहने रहती है, आने वाले काल के विषय में वो हंसती है, वो बुद्धि की बात बोलती है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग ये बात को देख लिया है, वो बहुत दूर दृष्टि का है, वो पहले से ही तैयार करके रखती है, ऑर्गेनाइज रहती है, हार्ड वर्किंग है और वेल प्लान्ड है, और फिर वो क्या है, प्रेयरफुल भी है, प्रार्थना का जीवन भी है, ये सब है। और फिर क्या होता है, जो विपत्ति को आने वाला, विपत्ति आने वाला बुरे समय को देख के वो हंसती है, मतलब शी इज सो कॉन्फिडेंट कि अगल बगल में कैसा भी हो लेकिन मेरे साथ में ये मेरा परिवार पे ये विपत्ति नहीं आएगा करके, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और फिर उसके बाद बुद्धि की बात बोलती है। कई बार क्या होता है, मैं दुनिया के लोग मैं ज्यादातर देखती हूँ, इवन एवरीथिंग इज सो वेल, पैसा मिल गया, सब कुछ अच्छा होता है, घमंड आ जाती है और घमंड की बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखती हूँ कि वो ऐसे नहीं लिखा है, 26th वर्स में लिखा है वो बुद्धि की बातें बोलती है, शी स्पीक्स विजडम, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मतलब जिसको काउंसलिंग चाहिए, जो यंगस्टर्स के लिए, यंग लेडीज के लिए, जो स्टूडेंट है उनको करियर के लिए, मैरिज के लिए या कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे समस्या लेके आते हैं, हो सकता है शी विल काउंसिल देम, शी विल गिव हर पीस ऑफ विजडम टू देम एंड शी विल बी अ ब्लेसिंग टू देम, नॉट ओनली इन मेटीरियल, वो बुद्धि का बातें, विवेक के बातें, ज्ञान के बातें भी जहाँ पे जरूरत है वो वहां पे उन लोगों को ये शिक्षा देती है। शी इज ए वेरी गुड ट्रेनर। हालेलुया। और फिर हम आखिर में कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम का नहीं खाती है। अपने घर के लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। बड़े होके भी मॉनिटर थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बड़े होके बच्चे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हाँ फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन जो हम शुरू से फाउंडेशनल, जो बुनियादी से हम लोग एक रोल मॉडल बन के बच्चों को जो सिखाते हैं और बच्चे वो ही कैच करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब्स 22:6 में लिखा ना, ट्रेन अप द चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। मतलब बच्चों को जो शुरू से जो शिक्षा दिया है और शुरू से जो अभ्यास करवाया है और अपना जो मार्गदर्शन एज ए पेरेंट्स हमने जो दिखाया है, वही बच्चे कैच करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीयर प्रेशर वगैरह वगैरह कुछ बुरे चीज का चैलेंजेस आजकल के जमाने में हो सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा, हम अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखने के द्वारा और फिर उनको काउंसलिंग करके उनको मतलब केयरफुल रहेंगे तो, रोल मॉडल करेंगे तो, हमारे बच्चे कितना भी बुरा चारों तरफ हो रहे होंगे, हमारे बच्चे उस बुराई में नहीं फंसेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप लगातार वचन के अनुसार चलेंगे तो बच्चे बुरे संगति में नहीं फंसेंगे, ये है। और 28 में लिखा है, उनका पुत्र उठकर उनको धन्य कहते हैं, उनके पति भी उठकर उनको ऐसे प्रशंसा करते हैं, बहुत ही स्त्री ने अच्छे अच्छे काम तो किया है परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। सो देर इज अ आउटर ब्यूटी, देर इज इनर ब्यूटी। एक स्त्री है, बाहर में सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं तो अच्छा सा ड्रेसअप करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वचन बताता है मोर देन योर
अपियरेंस, योर इनर ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखने में बहुत अच्छे हो और सुंदर हो और आपका स्वभाव आपके सुंदरता के हिसाब से नहीं है, तो फिर आपकी सुंदरता बाहर का व्यर्थ होता है। यही वचन बताता है, चार्म इज डिसीटफुल। इसका मतलब क्या है? सुंदरता अगर बाहर है तो फिर अंदर भी साथ साथ सुंदर होना जरूरी है। योर इनर मैन शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। हालेलुया, तभी आप सचमुच में सुंदर है। अब कैसे पता है अंदरूनी मनुष्य सुंदर है कि नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा है कि नहीं है? तो आपका जो देखते हैं लोग, आपके परिवार के लोग देखते हैं या कलिसिया के लोग देखते हैं, आपका कलीग्स देखते हैं, कोई भी जो आपके काम आपके पीछे काम करते हैं, वो लोग सब देख रहे हैं आपको, और आप आपके पीछे वो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या गवाही देते हैं, तो वो ही है। तो इसलिए अगर आप सब कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो फिर जरूर आपका गवाही भी अच्छा होगा और आपका परिवार के लोग भी आपको अच्छा कहेंगे और दूसरे लोग भी आपको अच्छे कहेंगे। क्योंकि साम 128:2 में लिखा है, अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। जो एक भली पत्नी क्या है, अपना कमाई, अपना पति का कमाई को निश्चय अच्छा सा खाएंगे और भलाई को प्राप्त करेंगे और धन्य बनेंगे। और नीति वचन 25:11 में लिखा है, जब मैंने विजडम की बातें बोले, तो जैसे चांदी के टोकरी में सोने का सेब है हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन भी होता है। प्रोवर्ब्स 15:1 में लिखा, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। सो वी हैव टू स्पीक विजडम एंड शी ऑलवेज यूज टू स्पीक विजडम। हालेलुया। और फिर वो कामकाज में भी बहुत कामकाज थी। प्रोवर्ब्स 12:24 में लिखा, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेकार में पकड़े जाते हैं। सो शी इज नेवर लेसी, शी इज ऑलवेज हार्ड वर्किंग, परिश्रम करने वाली है और कामकाज की स्त्री है। इस तरह से बहुत सारे गुण इस स्त्री में हम देखते हैं। हम प्रार्थना करते रहें, कोशिश करते रहें, जरूर हम उस स्त्री के समान एक दिन हम पूरी तरह से बन के यीशु मसीह को दिखाएंगे, दुनिया को भी दिखाएंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु प्रोवर्ब्स 31 वुमन भली स्त्री के बारे में लिखा है और उनके गुण के बारे में लिखा है, उनका जीवन शैली के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा है। प्रभु बहुत मुश्किल तो होता है सारे क्वालिटीज को हम अपनाना, लेकिन हम टारगेट रख के प्रोवर्ब 31 उमन की तरह हम टारगेट रख के लगातार उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे प्रभु, और जो कमी घटी आप हमारे अंदर अपवित्र आत्मा आप भर देंगे, और फिर हम जरूर प्रभु वो भली स्त्री की समान हम जरूर बनेंगे प्रभु, ये पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।